नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के अंधेरी विधानसभा में शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जयंती के शुभ अवसर पर अंधेरी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अनिल परब को महाराष्ट्र राज्य का परिवहन व संसदीय कामकाज मंत्री बनाए जाने के बाद बड़े ही धूमधाम से सम्मान चिन्ह देकर शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर, विधानसभा संगठक संजय कदम, विधानसभा समन्वयक सुनील खाबिया ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद पालक मंत्री अनिल परब ने सबका धन्यवाद किया, तो वहीं शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने अनिल परब सहित संजय कदम और सुनील खाबिया की जमकर तारीफ की। तो आइए देखते हैं क्या है यह खास खबर। हृदयस्पर्शी सत्कार अनिल परब, शिवसेनेचा योद्धा, अत्यंत प्रामाणिकपणे तळमळीने अभ्यास करून या आमच्या सगळ्या परिसरामध्ये नेतृत्व करणारा, उद्धवजींसाठी संकट मोचन हनुमान म्हणून आपण ज्यांची तुलना करू शकतो, सतत संघटनेचं हित, निवडणुकीला शिवसेनेचा विजय मिळवायचा, कार्यकर्त्याने शिस्तीत काम करायचं, काम करत असताना कौशल्य दाखवायचं, हे सगळे कार्यकर्त्यांमध्ये गुण जे तयार केले त्याचं नेतृत्व करणारा अनिल परब, ज्या वेळेला उद्धवजींनी मंत्री केला त्यानंतर महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी जो का आनंद झाला असेल, पण आमच्या ह्या पश्चिम उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील सर्व विधानसभा, सर्व कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी, सर्व शिवसैनिक आणि इकडच्या जनतेला अत्यंत गर्वपूर्ण अशा तऱ्हेचा आनंद झालेला आहे। मतदान या विभागाचे विभाग संघटक संजय कदम, समन्वयक, एका सामान्य कार्यकर्त्याची मंत्री म्हणून निवड केली त्याबद्दल उद्धव साहेबांच्या समोर मी खरोखर नतमस्तक आहे। अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने अंधेरी महोत्सव, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पे ये बड़ा प्रोग्राम आज इनका आयोजन किया था, और मुझे लगता है कि हर सेक्टर में बच्चों के लिए, कलाकारों के लिए, अच्छे आर्टिस्टों के लिए और जिनके जो खेलने वाले बच्चे हैं उनके लिए ऐसे अलग तरह से ये सब प्रोग्राम रखे। इस विभाग के सभी युवकों को, बड़े बूढ़ों को, सबको एक साथ जमा करने का काम इन्होंने आज अंधेरी विधानसभा की तरफ से किया है। हमें शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की यही हमें सोच थी कि जो विभाग की जरूरत है उस हिसाब से काम करो। मुझे ऐसे लगता है कि अंधेरी विधानसभा ने यह क्षेत्र बहुत अच्छा काम किया है, और आज जो मेरा सत्कार किया है मैं उस लिए उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने ये वचन दिया है कि जो शिवसैनिक मेरे साथ इतने साल में काम कर रहे थे, तो मेरे जो शिवसैनिक करके मैंने जो काम किया है, मैं इनके सबके आशीर्वाद से, भाऊ के आशीर्वाद से, भाऊ ने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिए हैं, ये सब आशीर्वाद से मैं इस विभाग की सेवा जरूर करूँगा, यही कहना चाहता हूँ। शिवसेना जो है पार्टी सामाजिक स्तर के ऊपर अपने अपने एरिया में जो काम करने वाले हमारे प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ता वो हर पद्धति से जुड़ते हैं, और वही उद्देश्य लेके ये महोत्सव आयोजन किया था। देखे कि अभी इलेक्शन का जमाना रहता है, लोग जाते हैं घर में, वोट मांगते, उससे ये रिश्ता बनता नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे कार्यकर्ता किस ढंग से काम करते, ये समझ लोगों के मन में होनी चाहिए। लोगों का मन शिवसेना की तरफ, कार्यकर्ता की तरफ आकर्षित होना चाहिए, इसलिए ऐसे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आजचा कार्यक्रम अंधेरी महोत्सवच्या माध्यमातून या ठिकाणी आयोजित होत आहे। अंधेरी शिवसेना अंधेरी पश्चिम विधानसभेच्या वतीने अंधेरी महोत्सवचा कार्यक्रम आयोजन केला। या कार्यक्रमामध्ये सर्व खेळाचे
मैदानी खेल या ठिकाणी होते आणि आज आम्ही 12 लोकांचा सन्मान अंधेरी महोत्सवाच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय। त्याच्यामध्ये काही आर्किटेक्ट आहेत, ॲडवोकेट आहेत, ज्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे समाजासाठी, त्या अंधेरीमध्ये राहणाऱ्या सर्वांचा सन्मान या ठिकाणी होणार आहे। ॲडवोकेट अनिल परब आमचे विभाग प्रमुख हे मंत्री है, उनका आज यहाँ पे अंधेरी पश्चिम मैदान के माध्यम से सम्मान होने वाला है। आज जो प्रोग्राम हुआ है, ये अंधेरी उत्सव का एक लास्ट वाला प्रोग्राम है और उसमें गर्व महाराष्ट्र का एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है और 12 लोगों का सत्कार रखा गया है। वो 12 रत्न हमारे अंधेरी पश्चिम के ही है, उसमें उद्योगपति है, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, जो जो अपने फील्ड में अच्छा नाम कमाया, सामाजिक कार्य किया है, ऐसे लोगों का हम हमारे खासदार गजानन कीर्तिकर इनके माध्यम से सत्कार कर रहे हैं। और खास करके आज हमारा जो सत्कार है उनके हमारे विभाग प्रमुख एडवोकेट डॉक्टर अनिल परब साहब, ये कैबिनेट मिनिस्टर हुए, उनका खास करके आज हमारा हमने बहुत बड़ा सत्कार का प्रोग्राम रखा है। भाई अपने पीछे कोई मंत्री बनते हैं तो छाई पड़ जाती है, क्या लगता है आपको अंधेरी विधानसभा में कौन कौन से काम इनको करना बाकी है जो आप कर रहे हैं? काम तो बहुत है सर, लेकिन हमको तो महसूस हो रहा है कि हम ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारे हर एक शिवसैनिक को, हमारे विभाग के जो भी शिवसैनिक है उनको जब से अनिल परब साहब को मिनिस्ट्री दी है तभी हमको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। तो हम लोग देखेंगे जो जो सुविधाएँ देना चाहेंगे। आज हमारे खासदार साहब के माध्यम से हमने ये जू में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान के माध्यम से हमने एक वॉल बना रहे, तो ऐसे बहुत सारे काम करने की सोची है। और खास करके हमारा महोत्सव का एक आई कैचिंग पॉइंट था, हिंदू उदय सम्राट मैराथन वॉकाथॉन करके एक स्पर्धा की थी, उसमें करीबन 3000 लोगों ने सहभाग किया और वॉकाथॉन में चले। थैंक यू।